नेक्स्ट हेडिंग लिखो, टॉर्क ऑन ए करेंट कैरिंग लूप और कॉयल और कॉयल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस डेरिवेशन में थोड़ा डायरेक्शन आप लोग अच्छे से समझ लेना। सबसे पहले हम इसमें केस लेते हैं कि दोनों आपके परपेंडिकुलर, मतलब जो प्लेन ऑफ द कॉयल है इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले बेटा हम इसमें केस वन पढ़ते हैं, व्हेन प्लेन ऑफ कॉयल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इनिशियली ये सिचुएशन है, सपोज बेटा एक रेक्टेंगुलर कॉयल है, इसमें किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। अब इस पर हमें टॉर्क देखना है, तो सबसे पहले हमें फोर्स की बात करें तो पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी चारों आर्म्स हो गई हमारी, ये करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह हो गए। इन करंट कैरिंग कंडक्टर पर हम फोर्स देखें कितना फोर्स लग रहा है। वैसे आपको बताया था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यदि किसी क्लोज लूप को रखते हैं तो नेट फोर्स हमेशा क्या होता है, जीरो। यदि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो करंट पूरे लूप को कंप्लीट कर रहा है, करंट पूरे लूप को कंप्लीट करने का मतलब होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका सभी में फ्लो हो रहा है, एक सेम डायरेक्शन। अब फोर्स की डायरेक्शन सभी लोग निकालो, PQ पर, QR पर, RS पर और SP पर। मान लेते हैं बेटा ये आपकी डायमेंशन L और ये डायमेंशन है B। डायरेक्शन के साथ इसी में डायग्राम में आप रिप्रेजेंट कर दो विद मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एक साथ ही इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दो। करंट I मान लो, आइडियल क्रॉस B से निकालना है, सभी लोग डायरेक्शन निकालो, किसी को डायरेक्शन में डाउट हो तो बताना। इसमें बेटा फोर्स की डायरेक्शन आईडीएल क्रॉस बी अपवर्ड डायरेक्शन में, इसमें आईडीएल क्रॉस बी राइट डायरेक्शन में, यहां पर बेटा आईडीएल क्रॉस बी डाउनवर्ड डायरेक्शन और यहां पर आईडीएल क्रॉस बी लेफ्ट डायरेक्शन। यहां फोर्स का मैग्नीट्यूड थीटा तो 90 डिग्री है, तो आई बी एल, तो आई बेटा करेंट तो आई हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बी है और लेंथ कितनी है इसकी B। यहां पर I B L, यहां पर बेटा I B into small b और यहां पर बेटा I B L। आप देख सकते हैं कि ये प्लेन ऐसा है आपका, जैसे इस तरीके से ये
ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पर है, इस तरफ फोर्स लग रहा है इक्वल फोर्स, तो नेट फोर्स जीरो हो गया। इधर भी जो आपके फोर्सेस लग रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं, अभी भी आपका नेट फोर्स जीरो हो गया। ये रोटेट तो कर ही नहीं सकते क्योंकि जो इसका प्लेन है वो उसके जस्ट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस केस में नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो। ये किसी को डाउट हो तो बताओ, क्लियर है सभी को? नोट कर लिया सभी को, डायरेक्शन समझ में आ गए? अब इसके बाद इफ कॉइल इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, ये इनिशियल सिचुएशन थी। अब कॉइल को हमने रोटेट कर दिया, अब सिचुएशन ऐसी, एंगल के बारे में देखना है, एंगल क्या किया हमने, कॉइल को रोटेट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ नहीं रोटेट किया है, ये बात में भी कंफ्यूज ना होना। मैग्नेटिक फील्ड तो कैसे बेटा, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, पहले जो आपका एक कॉइल है वो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रखी हुई थी, नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है। अब इसे थोड़ा सा रोटेट कर दिया, अब इसे रोटेट कर दिया, अच्छा करंट की हमने वैल्यू तो चेंज नहीं की है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज नहीं की है, और तो लेंथ भी हमने कॉइल की चेंज नहीं की है ना, मतलब डायमेंशन भी चेंज नहीं की है। तो इस आर्म पर जो आपके फोर्स का मैग्नीट्यूड था और जो इन दोनों आर्म्स पर फोर्स का मैग्नीट्यूड था एज वेल एज डायरेक्शन, वो तो अभी भी सेम रहेगी। पहले ये ऐसे थी, तो यहां पर ये नेट फोर्स जीरो हो गया, यहां पर भी नेट फोर्स जीरो हो गया, और ये सिर्फ क्या करेंगे, लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, रोटेट तो नहीं कर सकते। अब ये क्या कॉइल ऐसे नहीं है, इस तरीके से रोटेट हो गई, तो जो ये फोर्स है ये ऊपर और ये जो आपका जो अपवर्ड डायरेक्शन में और जो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, तो ये तो अभी भी क्या होगा, जीरो होगा। क्या ये रोटेट करने की कोशिश करेगा? नहीं, लेकिन ये ऐसे रोटेटेड है। अब ये फोर्स एक इधर था और ये फोर्स इधर है, ये इसको फिर से क्या करेंगे, रोटेट करने की कोशिश करेंगे। ये ऐसे है कहीं पर और आप इस पर यदि फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये अपने आप को अलाइन करेगी जैसे कि इनिशियल सिचुएशन थी, इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि कोई भी बॉडी आप सिचुएशन क्या रहती है कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। ये ऐसे थे, ये तो आपका जो फोर्स है नेट फोर्स तो जीरो है और ये रोटेट भी कराने की कोशिश नहीं करेगा। अब यदि ऐसे हो गया और अब आप इस पर ऐसे फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, इसको घुमा देगा, घुमाने की कोशिश करेगा। तो यहां पर जो आपका टॉर्क डेवलप हो गया वही टॉर्क आपको निकालना है। तो टॉर्क किसके वजह से डेवलप हुआ, जो इन दो आर्म्स पर फोर्स लग रहा है, इस पर बेटा जो फोर्स लग रहा है और जो इस पर फोर्स लग रहा है, इन दो आर्म्स के फोर्स की वजह से नेट टॉर्क डेवलप हुआ। ये मैग्नीट्यूड यहां पर कितना है, आई बी एल, और ये भी मैग्नीट्यूड कितना है, आई बी एल। अब आपको यहां पर समझना परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आर्म है, ये ऐसे थी, इसकी जगह इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ये फोर्स एक इधर लग रहा है और ये फोर्स आपका इधर लग रहा है और ये एंगल अभी भी थीटा है। इस सिचुएशन को बनाया जाए तो दिस एंगल इज थीटा, एक फोर्स बेटा इस डायरेक्शन में आई बी एल लग रहा है, एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में आई बी एल लग रहा है, और जो इसकी ये लेंथ है ये बी है। बोलो ये क्लियर है सभी को? इसमें देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ही कंफ्यूजन होता है, इसलिए कहीं पर भी डाउट हो तो हम बाद में घर जाके समझ लेंगे, हम बुक से देख लेंगे, कहीं से भी देख लें, ये पेंडिंग मत रखना। जहां समझ में ना आए तो पूछ लो। कॉइल की सिचुएशन समझ में आई, पहले आपकी ये कॉइल ऐसे रखी हुई है, नेट फोर्स जीरो हो गया, अब ये थोड़ा सा ऐसे रोटेटेड है, अब ऐसे रोटेटेड है तो यदि अब आप इसको खींचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ जैसे आपकी पहले इसका प्लेन ऑफ द कॉइल था वैसे ही आपको रोटेट करने की कोशिश करेगा। अब ये क्या है, जो ये वाली आर्म थी पहले ऐसे थी,
रोटेट इसको थीटा से कर दिया है तो एक्चुअली ये ऐसे हो गई, तो इन्हीं पे ये आपका जो ये लेंथ, इसी पर तो फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है और इधर फोर्स लग रहा है, तो हमने इसी पर तो फोर्स लगा दिया, इधर आईबीएल और इधर आईबीएल। अब अंदर से तो एंगल नहीं दिखा सकते थे इसलिए मैंने एंगल यहां पर दिखा दिया, ये इक्वल फोर्सेस हैं, ये कपल ऑफ दी फोर्स हो गया, इसके वजह से एक टॉर्क डेवलप हो जाएगा। टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, ये वाली, ये बेटा बी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर क्या बी साइन थीटा हो जाएगी, हो जाएगी बी साइन थीटा। टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बेटा फोर्स कितना है आईबीएल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बी साइन थीटा, एल इंटू बी क्या होता है एरिया ऑफ द कॉइल, ये क्या हो जाएगा आई बी ए साइन थीटा, आई इंटू ए, ये बेटा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है, इसे हम आगे पढ़ेंगे, इसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा और टाउ इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी। क्लियर है, किसी को डाउट हो तो बताओ, तो आप तो अभी मैं से थ्योरी लिखवाऊंगा, आप ये डायग्राम बना लो और ये डायग्राम बना और समझ लो एक बार, कहीं पर डाउट हो तो पूछ लो। डायग्राम से बात देखते हैं, क्या एम क्रॉस बी आया तो बेटा थीटा क्या हो जाएगा, आपको ये भी बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है आई इंटू ए, वहां एरिया वेक्टर होता है, तो एक्चुअली यहां पर जो थीटा है इट इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी प्लेन के लिए एरिया वेक्टर आपको निकालना आता ही है, आउटवर्ड जो नॉर्मल होता है वही एरिया वेक्टर। मोस्टली कंफ्यूजन इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस में होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में यदि किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थोड़ी, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ, हाँ मैग्नेटिक फील्ड से कहाँ, ये प्लेन से बेटा, जो इनिशियल इसका प्लेन था उससे थीटा करते हैं, इसलिए तो ये मतलब ये परेशान ना हो ना कि थीटा क्या है, इसलिए आपको लास्ट में लिखवा दिया। एक्चुअली ऐसा नहीं किया ना कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ किया है,
फिर उसके लिए क्या करना होता, फिर डेरिवेशन थोड़ा सा दिक्कत होती, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ले लेते, फिर एरिया वेक्टर को समझने में दिक्कत होती, इसलिए ऐसे रोटेट कराया। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं आपकी पैरेलल की, उसके साथ हमने रोटेट किया, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन। आप ओवरऑल देखोगे एरिया वेक्टर के साथ एंगल देखोगे सेम निकल के आए, तो आप इतना दिमाग भी ना लगाओ ना सोचने की जरूरत है, सीधे थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जब पैरेलल लेते हैं तो उस डेरिवेशन करने में थोड़ा सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझने में कंफ्यूजन होती है, बट इसमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आसानी से समझ में आ जाता है। ऐसा इसलिए कि आप सोचो मैग्नेटिक फील्ड आप ऐसे लेते तो फोर्स कैसे लगते, फिर अंदर की तरफ फोर्स लग रहे होते, ये इसमें ऐसे लगते इसमें ऐसे, तो वो फिर यदि रोटेशन कर रहे होते तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ में नहीं आती, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बुक में आपको उसी तरीके से डेरिवेशन मिलेगा, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आप किसी ऐसे एंगल के साथ देते। निकाल दो सेम आएगा, हाँ नहीं तसली कर दो, ये दिया ठीक, एरिया वेक्टर किधर होगा इसका है, इधर हो गया, इसको ऐसे करती प्लेन को ऐसे करती, हाँ आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की तरफ अंदर की तरफ भी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सभी को समझ में आ गए। एम बेटा लिखना, लिख लेना कि एम इज मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, एम है बेटा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जिसकी वैल्यू है आई इंटू ए, वेयर कैपिटल एम इज मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और ब्रैकेट में एम इज इक्वल टू आई इंटू ए। अब इसमें केस वन, इफ कॉइल इज सेट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, इफ कॉइल इज सेट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्या हो गया बेटा, जो प्लेन ऑफ द कॉयल है ये हो गया बेटा प्लेन ऑफ द कॉयल, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, हमें यहां पर जो थीटा एंगल है वो किसके बीच में है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है ये हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर, इस प्लेन का एरिया वेक्टर किधर होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इस केस में थीटा इज 90 डिग्री, जब थीटा 90 होगा तो टॉर्क इज मैक्सिमम और वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, एम इंटू बी और आई ए बी, इफ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स, यदि इसी में आपके नंबर ऑफ टर्न्स एन हो जाते हैं तो यही आपका एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा एन आई ए बी। केस सेकेंड, इफ कॉइल इज सेट, इफ कॉइल इज सेट विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यदि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो प्लेन ऑफ दी कॉइल क्या इसके परपेंडिकुलर, ये हो गया बेटा प्लेन ऑफ दी कॉइल, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसी तरफ होगा बेटा एरिया वेक्टर,
अब एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? जीरो। क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। यदि प्लेन के साथ एंगल दिया हुआ है तो आप 90 माइनस थीटा कर दो, वही आपका एंगल एरिया वेक्टर के साथ आ जाएगा। ये यहां पर एंगल क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। तो टॉर्क इज इक्वल टू फ्लक्स। में भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी पढ़ा था बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? फाइव इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा और ई डॉट ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल, यदि प्लेन के साथ एंगल दिया होता है तो एरिया वेक्टर के साथ निकालना है, तो 90 से आप माइनस कर दीजिए तो एरिया वेक्टर के साथ एंगल आ जाएगा। क्वेश्चन नोट कीजिए, द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल, द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन ए कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया, ऑफ इफेक्टिव एरिया 0.04 मीटर स्क्वायर इज 4×10⁻²⁻²⁻² न्यूटन मीटर व्हेन करंट इन इट इज 100 माइक्रो एम्पियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कितना आया आंसर? 10⁴ टेस्ला। सीधे मैक्सिमम टॉर्क पूछा गया बेटा, तो मैक्सिमम टॉर्क क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स तो गिवन नहीं है, आई ए बी, ये आपको गिवन है 4×10⁻²। करंट इज 100×10⁻⁶, एरिया इज गिवन 0.04 और मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में पूछा हुआ है, अ स्क्वायर प्लेन कॉइल ऑफ एरिया, अ स्क्वायर प्लेन कॉइल ऑफ एरिया 100 cm² ऑफ 200 टर्न
ऑफ 200 टर्न कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, फुल स्टॉप. इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल. फुल स्टॉप. कैलकुलेट द टॉर्क ऑन द कॉइल, कैलकुलेट द टॉर्क ऑन द कॉइल व्हेन इट्स प्लेन, when its plane makes an angle of 60 degree, when its plane makes an angle of 60 degree with the direction of field, with the direction of field. Full stop. In which orientation will coil be in stable equilibrium? In which orientation will coil be in stable equilibrium? टॉर्क का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? एन आई ए बी साइन थीटा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है. यदि नंबर ऑफ टर्न्स गिवन होते हैं तब आप एन इंक्लूड कर लेते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली एन को हम वन मान लेते हैं. अब थीटा यहाँ पर एंगल किसके बीच में लिया था हमने? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के साथ. और क्वेश्चन में देखो आपको एंगल किसके बीच में दिया हुआ है? प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में. तो एरिया वेक्टर के साथ एंगल निकालना हो तो हमेशा क्या करेंगे? 90 माइनस थीटा. तो थीटा आपको कितना गिवन है यहाँ पर? अगर एंगल आपको 60 डिग्री गिवन है तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेटा वो कितनी हो जाएगी? 90 माइनस 60 30 डिग्री. बस आपको इतना ध्यान रखना है टॉर्क के क्वेश्चन में जहां एरिया वेक्टर आ जाता है. यदि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल दिया है तो आपको चेंज नहीं करना है. यदि प्लेन के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल दिया है तो 90 माइनस थीटा करना है बस. कितना आया? वन आ रहा होगा. सत्येंद्र कितना आया बेटा? वन नहीं आया? वन सब कुछ तो विभिन्न है, वन ही आना चाहिए. यूनिट क्या होगी? मल्टीप्लाई भी यहाँ वहां दिख रही है ना. मल्टीप्लाई क्यों देख रहे हो यहाँ से? ये देखो वो भी 10 to the power खोल लिया है, तुम भी 10 to the power खोल लिया, तुम 100 लाए बेटा. 100 cm² है, इसको सीधे ही रख दिया होगा एरिया को, चेंज तो किया नहीं होगा. मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10 to the power -4 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे? तभी तो 10 to the power 4 आ जा रहा है.
स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों ही जीरो हो, और ये केस हम सबसे पहले कर चुके हैं। ये किस केस में होगा? व्हेन प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो आप लिख लेंगे उसमें कि इक्विलिब्रियम में कब होगा, तो कॉइल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल इज जीरो। और वो कब होगा? जो केस फर्स्ट था, व्हेन प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। लिखो बेटा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसमें टॉर्क पर बेस। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 200 टर्न रेडियस 5 सेंटीमीटर कैरीज ए करेंट ऑफ 2.5 एम्पियर full stop. It is suspended vertically in a uniform magnetic field of uniform magnetic field of 0.25 tesla, comma, with the plane of coil making an angle of 60 degree with the field line. Full stop. Calculate the magnitude of torque that must be applied on it to prevent it from turning. तो जितना बेटा मैग्नेटिक फील्ड के वजह से उसे टर्न करने की कोशिश कर रहा होगा, उतना ही टॉर्क हमें अप्लाई करना पड़ेगा उसे रोकने के लिए। तो टॉर्क का फॉर्मूला लगा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। एंगल जो आपको गिवन है, देखो किसके बीच में गिवन है, प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और हमें किसके बीच में थे, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो एंगल क्या हो जाएगा बेटा, 90 माइनस की, तो 90 माइनस एंगल कितना गिवन है यहाँ पर, 60 डिग्री, ये 30 हो जाएगा। तो डायरेक्टली टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी साइन 30। आई गिवन है बेटा 2.5, एरिया यहाँ पर ध्यान रखना, एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, लूप आपका सर्कुलर लूप है, तो सर्कुलर लूप का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, तो 5 × 10⁻²⁻² इंटू मैग्नेटिक फील्ड 0.25 इंटू साइन 30 इज 1/2। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। यहाँ पर जो भी मिस्टेक होगी, यदि फॉर्मूला याद है तो बस एंगल के लिए ध्यान रखना है आपको कि एंगल किसके बीच में।
0.49 आएगा सर ना, अप्रोक्सीमेटली 0.49 न्यूटन मीटर। ठीक है, कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर।